हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय ज्ञान स्टूडियो। और आज हम फिर आए हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएफ का पैसा कैसे चेक करें। वे सभी लोग जो जॉब करते हैं और जिनका पीएफ कटता है, वो आसान तरीके से अपने ही मोबाइल में अपना पीएफ का बैलेंस वो चेक कर सकता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोल लेना है और सर्च करना है epfindia.gov.in और सर्च करना है। और यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम सिंपली यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। और यहाँ पे आना है आपको सर्विसेज में। देखिए यहाँ पे एक है एम्प्लॉयर्स, एक है एम्प्लॉई। तो हमें सिंपली एम्प्लॉई में क्लिक करना है, क्योंकि हम जॉब करते हैं इसलिए हमको एम्प्लॉई में क्लिक करना है। उसके बाद आना है आपको मेम्बर पासबुक में। यहाँ पर मेम्बर पासबुक में आपको क्लिक कर लेना है। चलिए इसमें क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें यूएन नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल के, और यहाँ पे जो कैप्चा जो शो कर रहे हैं 89-2=87 होता है, तो वो डाल के यहाँ पे सिंपली हम लोग को लॉगिन हो लेना है। तो चलिए यहाँ पर 87 डाल लेते हैं और लॉगिन हो लेते हैं। और यहाँ पे आपको अकाउंट से रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नाम आपको शो करेगा, यूएन नंबर, पेन नंबर। तो आइए नीचे आते हैं और यहाँ देखते हैं सिलेक्ट मेंबर आईडी में आपको क्लिक करना है और जो भी होगा ऊपर वाला आईडी आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है आपको, एक दिखा रहा है व्यू पासबुक न्यू ईयरली, यानी कि 2021-22 तक का आपको ये पासबुक देखने को मिल जाएगा। चलिए हम इसमें क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको जितना सारा डिटेल्स है पासबुक का, कि कितना पैसा आपका कटा है, कितना पैसा आया है, सारा बैलेंस यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ये आपका न्यू बैलेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं और यहाँ पर डाउनलोड पासबुक क्लिक करके इस पासबुक को हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए इसे कट कर लेते हैं। और यहाँ पे आना है राइट साइड में व्यू पासबुक ओल्ड टू फुल, यानी कि पुराना से लेके अभी तक का सारा जो है पासबुक में आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा टोटल ई, यानी कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन बैलेंस। उसके बाद आपको मिलेगा टोटल एआर, यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बैलेंस। और ये दोनों मिला के जो भी बैलेंस आपका टोटल होगा पासबुक में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब इसे नेक्स्ट कर लेते हैं और इस पासबुक को भी जो है हम डाउनलोड करके रख लेते हैं। चलिए अब डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद आपको ये पासबुक जो है कैसा आपको देखने को मिलेगा, चलिए उसे भी हम थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। चलिए पासबुक तो डाउनलोड हो गया। अब आते हैं डाउनलोड हिस्ट्री में और यहाँ पे खोल के देखते हैं, ओपन करते हैं शो इन फोल्डर और देखते हैं कि पासबुक कैसा देखने को मिलता है।